नमस्ते। नागपुर में एक बड़ा हादसा हो गया जब स्कूल बस का ब्रेक फेल होने पर वो बेकाबू हो गई। कई गाड़ियों में टक्कर मार दी गई जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें स्कूल के बाहर बच्चों की भीड़ नजर आई तो साथ ही सड़क पर कई गाड़ियां भी खड़ी दिखी। तभी अचानक से स्कूल के अंदर से एक बस बाहर आती दिखी जिसने सबसे पहले एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी जो सड़क किनारे गिर गए। तो वही बस रुकी नहीं बल्कि आगे चल रही गाड़ियों में टक्कर मारती चली गई। इस दौरान लोगों ने बस को रोकने की कोशिश की लेकिन बस अपने दाईं तरफ मुड़ गई। जिस जगह बहुत सारे बच्चे खड़े हुए थे बस अपनी तरफ आते हुए देख बच्चों में भी अफरा तफरी मच गई। इस बीच बस सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली का पोल भी गिर गया लेकिन गनीमत रही बिजली के तारों की चपेट में कोई नहीं आया। लेकिन इस हादसे में बस के चपेट में आने से 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। इस बीच रूस ने सीरिया के कट्टरपंथी संगठन HTS के ठिकानों पर हमला किया। HTS को सीरिया की सरकार आतंकवादी संगठन मानती और लगातार उसके खात्मे की कोशिश